नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यनाथ झा। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है, अवैध हथियारों का एक जखीरा बरामद हुआ है। क्राइम ब्रांच ने 12 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। 19 हथियार और 7 कारतूस बरामद किए गए हैं। कई मामलों में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है वो वॉन्टेड था और क्राइम ब्रांच की टीम ने 12 लोगों को इस जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है। 19 हथियार बरामद हुए हैं, 7 कारतूस भी हैं इसमें। कई मामलों में ये आरोपी वांटेड थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। अवैध हथियारों का ये जखीरा है और इसी मामले में पुलिस ने 12 लोगों को पकड़ा भी है, गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ चल रही है। 19 हथियार समेत 7 कारतूस बरामद किए गए हैं। कई और मामलों में इन आरोपियों की तलाश पुलिस पहले से कर रही थी और अब अवैध हथियारों के जखीरे के साथ इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इंदौर का यह मामला है जहां पर अवैध हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। किस मकसद से ये अवैध हथियार लाए गए थे, रखे गए थे, इसके बारे में अभी पुलिस कुछ नहीं कह रही है।